चलिए, तो हम लोग बात कर रहे हैं आधुनिक भारत के इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन और उनके आंसर्स। अगला है ऑल इंडिया डीपेस्ट क्लासेज एसोसिएशन नामक संस्था की वित्तीय स्थापना किसने की थी? बी आर अंबेडकर ने, डॉक्टर बी आर अंबेडकर साहब ने। अगला है जवाहरलाल नेहरू के विरोध बॉम्बे घोषणा पत्र पर किस प्रमुख पूंजीपति के हस्ताक्षर नहीं थे? घनश्याम दास बिड़ला के। अगला प्रश्न है नील दर्पण ने नील उत्पादक किसानों को उत्पीड़न का चित्रण किया है, यह एक है नाटक। अगला क्वेश्चन है आनंद मठ उपन्यास जिसमें प्रसिद्ध वंदे मातरम गीत है की रचना की थी? बंकिम चंद्र चटर्जी ने। अगला है भारत सेवक समाज की स्थापना कब और किसने की थी? 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले ने। अगला क्वेश्चन है राजा राम मोहन राय ने किस प्रथा के विरोध में कानून बनवाया था? सती प्रथा के विरोध में। अगला क्वेश्चन है भारत में उग्र राष्ट्रीयता के जन्मदाता तथा निर्भयता से राष्ट्र की वेदना को प्रकट करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? बाल गंगाधर तिलक। अगला क्वेश्चन है किस अधिनियम द्वारा मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था की गई? 1909 के अधिनियम द्वारा। अगला है किसने कांग्रेस को जनता के अत्यंत अल्प मत का प्रतिनिधि कहा था? लॉर्ड डफरिन ने। अगला क्वेश्चन है बाल गंगाधर तिलक पर 1897 में किस आधार पर मुकदमा चलाया गया था? राजद्रोह के आरोप में, सरकार से घृणा एवं उसकी अवमानना के कारण। अगला है कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन कब किया? 1939 में। अगला क्वेश्चन है नमक सत्याग्रह एवं दांडी यात्रा पर सरकार की तत्कालिक प्रतिक्रिया थी कांग्रेस पर प्रतिबंध लगाना। अगला किस आंदोलन से अरविंद घोष द्वारा लिखित डॉक्ट्रिन ऑफ पैसिव रेजिस्टेंस नामक लेख श्रृंखला सम्बद्ध है स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन से। अगला क्वेश्चन है इंडियन ट्रेड यूनियन कांग्रेस के 1920 में प्रथम अध्यक्ष कौन थे? लाला लाजपत राय। अगला किस अंग्रेजी शासन विरोधी नेता को जनता में भय फैलाने हेतु उसकी मृत्यु हो जाने के बाद भी सार्वजनिक रूप से फांसी दी गई? दीवान बिलू थम्पी को। अगला 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट का अन्य नाम था मार्ले मिंटो सुधार। अगला क्वेश्चन है महात्मा गांधी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन कब प्रारंभ किया गया? 1932 में। अगला है 1912 में समाचार पत्र अल हिलाल किसने प्रारंभ किया? मौलाना अबुल कलाम आजाद ने। अगला है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायस राय कौन था? लॉर्ड डफरिन। अगला है भारत सरकार के किस अधिनियम के अंतर्गत मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल प्रारंभ किया गया? भारत सरकार अधिनियम 1909। अगला है 1857 के गदर के पश्चात इलाहाबाद दरबार में यह घोषणा किसने की थी कि भारत सरकार अब ग्रेट ब्रिटेन के सम्राट से अधिग्रहित कर लिया? लॉर्ड कैनिंग ने। अगला है डांडी मार्च किस आंदोलन के अंतर्गत आयोजित की गई थी? सविनय अवज्ञा आंदोलन। अगला है चक्रवर्ती राजगोपालाचारी के ठीक पहले भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन। अगला है भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान डेकन एजुकेशनल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? बाल गंगाधर तिलक ने। अगला है बंगाल विभाजन को किसने निरस्त किया था? ये थे लॉर्ड हार्डिंग। अगला है आधुनिक इतिहासकारों में से किसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता का प्रथम युद्ध कहा था? वीडी सावरकर। अगला है स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित कामरेड समाचार पत्र किसने निकाला था? मोहम्मद अली जिन्ना ने। अगला क्वेश्चन है दलित वर्ग का सामाजिक न्याय दिलाने के उद्देश्य से
जस्टिस आंदोलन 1915-16 ईस्वी में कहाँ से प्रारंभ हुआ? मद्रास से, जो आप चेन्नई में शामिल है। अगला है द ग्रेट रिवोल्ट नामक पुस्तक के लिए कौन है? अशोक मेहता। अगला है 1857 में इलाहाबाद में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? लियाकत अली ने। अगला क्वेश्चन है, महारानी विक्टोरिया की घोषणा को इलाहाबाद दरबार में किसने पढ़ा था? लॉर्ड कैनिंग ने। अगला है, संविधान सभा के विचार विमर्श में भाग नहीं लिया था? मुस्लिम लीग तथा देसी राज्यों ने। अगला है, भारत विभाजन के लिए 3 जून 1947 ईस्वी को बनाई गई योजना थी? माउंटबेटन योजना। अगला क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के किस अधिवेशन में अध्यक्ष चुने जाने के बाद इस्तीफा दे दिया था, जिसके परिणाम स्वरूप डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कांग्रेस के अध्यक्ष बने? त्रिपुरी अधिवेशन 1939 में। अगला है, महात्मा गांधी ने प्रथम नागरिक अयोग्या आंदोलन किस घटना के पश्चात प्रारंभ किया? साइमन कमीशन के कारण। अगला है, रोहिलखंड में रोहिला नेता कौन था जिसने ब्रिटिश शासन को चुनौती दी थी? ये थे अजीमुल्ला। अगला क्वेश्चन है, लॉर्ड कैनिंग ने नवंबर 1858 में कहाँ आयोजित दरबार में भारत में क्राउन के शासन की घोषणा की थी? इलाहाबाद में आयोजित दरबार में। अगला है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वायसराय के शासनकाल में हुई थी? लॉर्ड डफरिन के शासनकाल में। अगला है, भारतीय असंतोष का जनक किसे कहा जाता है? बाल गंगाधर तिलक को। अब अपना अगला क्वेश्चन है, चटगांव आर्मस डकैती किसके नेतृत्व में हुई थी? सूर सेन के नेतृत्व में। अगला क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह का प्रथम आवास कहाँ हुआ था? बैरकपुर में। अगला है, घोंगू पंत को किस लोकप्रिय नाम से जाना जाता है? नाना साहब के नाम से। अगला क्वेश्चन है हमारा, चोरी चोरा कांड के कारण गांधी जी ने किस आंदोलन को समाप्त किया था? असहयोग आंदोलन को। अगला क्वेश्चन है, काकोरी रेल कांड कब हुआ था? 1925 में। अगला क्वेश्चन है हमारा, विवेकानंद को आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने। अगला क्वेश्चन है, गदर पार्टी का गठन कहाँ किया गया था? सैन फ्रांसिस्को यूएसए में। अगला, किस भारतीय राजनेता ने कांग्रेस अधिवेशन में सुशासन पर जोर डालने के लिए सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किया था? तो ये थे दादा भाई नौरोजी। अगला क्वेश्चन है हमारा, पंडित मदन मोहन मालवीय ने 1909 में कौन सा समाचार पत्र प्रारंभ किया? लीडर। अगला क्वेश्चन है, किस क्रांतिकारी ने इंग्लैंड में क्रांतिकारी गतिविधियों के आरंभिक केंद्र के रूप में इंडियन होम रूल सोसाइटी की शुरुआत की? तो है श्यामजी कृष्ण वर्मा ने। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अवाड़ी अधिवेशन 1955 में समाज के समाजवादी ढांचे को औपचारिक रूप से स्वीकार किया गया, इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? यूएन डेवर ने। अगला है, किसके विरुद्ध महात्मा गांधी का सत्याग्रह के लिए आह्वान उनका अखिल भारतीय संघर्ष के नेतृत्व का सर्वप्रथम प्रयास था? तो याद रखिए, रॉलट एक्ट के विरुद्ध। अगला है, मार्च 1925 में किस केंद्रीय लेजिस्लेटिव असेंबली का अध्यक्ष चुना गया था? यह विट्ठल भाई पटेल को। अगला है, वीआई सोशलिज्म नामक पुस्तक किस स्वतंत्रता सेनानी की है? जय प्रकाश नारायण की। अगला है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भारत की महिला प्रतिनिधित्व के रूप में किसने भाग लिया था? सरोजनी नायडू ने। अगला है, 1836 में इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना किसने की थी? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने। अगला है, कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना की गई, इसका प्रथम अध्यक्ष किसे चुना गया? स्वामी सहजानंद सरस्वती को।
अगला है जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए कांग्रेस ने अपनी एक अलग समिति बनाई, जिसके अध्यक्ष थे पंडित मदन मोहन मालवीय। अगला है व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन 17 अक्टूबर 1940 से प्रारंभ हुआ। सर्वप्रथम किस स्थान से इसे प्रारंभ किया गया? यह पवनार सिंह। अगला है बंबई नौसेना विद्रोहियों ने किसकी अपील पर समर्पण किया? वल्लभ भाई पटेल की अपील पर। अगला है भारत छोड़ो प्रस्ताव का वापस ले लिया गया 1944 में। अगला है जिस कांग्रेस अधिवेशन में पहली बार वंदे मातरम का गान बाकिम चंद चटर्जी द्वारा प्रस्तुत किया गया उसकी अध्यक्षता किसने की थी? मोहम्मद रहीम तुल्ला सयानी। कलकत्ता अधिवेशन 1896। अगला है स्वदेशी आंदोलन सबसे पहले कब प्रारंभ हुआ? बंगाल विभाजन के विरुद्ध प्रारंभ हुए आंदोलन के समय।